एडियल सनशाइन स्कूल के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आज जेवीएम छात्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों के मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन की और प्रबंधन पर घूस लेने का आरोप लगाया है। एडियल सनशाइन स्कूल ने मैट्रिक में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की टेस्ट ली और इस टेस्ट में 60 विद्यार्थी फेल हो गए। वैसे रिजल्ट आने के बाद फेल विद्यार्थी ने बुधवार के दिन स्कूल गेट जाम कर जोरदार प्रदर्शन की। इस प्रदर्शन के बाद प्रबंधन हरकत में आई और कुछ विद्यार्थियों को पास भी कर दिया, लेकिन इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। वैसे आज झारखंड युवा छात्र मोर्चा ने फेल विद्यार्थियों के मामले को लेकर स्कूल गेट पर जोरदार प्रदर्शन की और प्रबंधन पर घूस लेने का आरोप लगाया। सेंटअप के लिए बच्चों ने जो एग्जाम दिया था उसमें 60 बच्चों को फेल कर दिया गया। उसके बाद बच्चों ने यहाँ पे उग्र प्रदर्शन किया, प्रशासन के लोग आए, बैठक हुई, बैठक में बात हुई कि कल जो कॉपी रीचेक करवाया जाएगा और बात किया जाएगा, कॉपी दिखलाया जाएगा। आज के डेट बच्चे लोग 9:30 बजे से आकर यहाँ बैठे हुए, लेकिन किसी तरह का कोई बात हुआ ना कुछ हुआ। कुछ लोग आए थे पेरेंट्स के साथ, 60 बच्चों में से 18 लड़का, जिससे 5,000 रुपया लेकर के यहाँ के प्रबंधक जो है, मैनेजमेंट जो है, 5,000 से लेकर के 10,000 रुपया लेकर के पास कर दिया गया 18 बच्चों को। जिन बच्चों ने पैसा नहीं दिया, पैसे देने की स्थिति में नहीं है, उन्हें फेल कर दिया गया। ये स्थिति है और मैनेजमेंट किसी भी तरह की बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने बोला कि कॉपी दिखलाया जाए, वो कॉपी दिखलाने को तैयार नहीं है। मामला ये है कि आप लोग को भी हम पेपर दिखा देंगे, अब अपना मीडिया में वो पेपर सब बबच्चे को दिखाइए जिसका नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 5 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट फेल है। और वो बच्चे बोलते हैं कि और 50 बच्चे जिसमें 17 बच्चे को हम निकालें, एबव 13 को ऊपर है, फिर भी नहीं निकालना चाहिए, निकाल दिए हैं 17 बच्चे को, ताकि ठीक है। अब ये लोगों का प्रेशर है कि 0 वाला निकला, 4-5 को निकाले, तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है। इससे अच्छा ऐसे बच्चों को पढ़ा भेजना, इससे अच्छा नहीं चलाना बराबर है। नहीं, लोग पास नहीं हुए, 3-4 बच्चे तो पॉसिबल ना।